विश्व बैंक राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना पंतनगर का सफल संचालन। इस विश्वविद्यालय का चार आदमियों का डेलीगेशन जिसको मैं लीड कर रहा था इलिनॉइज यूनिवर्सिटी गया था अमेरिका में। यहाँ ये बताना चाहूँगा कि इलिनॉइज यूनिवर्सिटी अमेरिका की वो यूनिवर्सिटी है जिसने 1960 में आकर इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। 12 साल तक उन्होंने हैंड होल्डिंग की सेटअप किया पूरा। तो अब 70 वर्ष के बाद हमें एक अवसर मिला, हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमने अपना जो एकेडमिक प्रोग्राम है उसकी डेवलपमेंट करनी है कि टीचर्स की एक एक्सपोजर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि दुनिया के लेवल की हमारी पढ़ाई हो, दुनिया के लेवल की हमारी रिसर्च हो और वैसी सोच हो, उसको लाने के लिए ये प्रोजेक्ट था। तो उसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को बदलने का एक मुहिम चाहिए था। इस प्रोजेक्ट का एक खास मकसद ये भी था कि आप दुनिया के चुनिंदा विश्वविद्यालयों के साथ गठबंधन करके उनकी कोलैबोरेशन में कुछ प्रोग्राम ऐसे चलाएं कि शुरुआत में प्राध्यापक और स्टूडेंट्स वहाँ जाकर ट्रेनिंग ले लें या क्लासेस लगा लें ताकि जब तक स्टूडेंट अपनी डिग्री करें तो वो ऑलरेडी एक वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट माने और टीचर्स भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स बनाने लायक हों, उसके लिए हम गए। विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एवं छात्र विदेशों में करेंगे शिक्षा का आदान प्रदान। कुल मिलाकर उसमें से ये नियत हुआ है इस पूरे विजिट में से कि अभी इस सेमेस्टर ब्रेक में पंतनगर विश्वविद्यालय से 30 विद्यार्थियों का दल इलिनॉय यूनिवर्सिटी जाएगा और वहाँ जाकर हमारे प्रोजेक्ट की जो परियोजना की जो वरीयता है उसके हिसाब से वहाँ रहकर वहाँ की तकनीकों को देखेगा, समझेगा, सीखेगा। और इस बीच में अप्रैल माह से प्रोफेसर्स अपनी अपनी वरीयताओं के हिसाब से इलिनॉय यूनिवर्सिटी जाएंगे और 2 से 3 महीने के लिए वहाँ रुकेंगे, रुककर वहाँ के तकनीकों को, ज्ञान विज्ञान को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। परियोजना के माध्यम से पंतनगर में बनेंगे 30 डिजिटल क्लासरूम। तो ये डिजिटल क्लासेस जो हर कॉलेजेस में होंगे, उन डिजिटल क्लासेस में एंड्रॉयड स्क्रीन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया के सारे विश्वविद्यालयों से जिनसे हमारा टाइप है उनसे हम जुड़ पाएंगे। तो ये लाभ मिलेगा हमारे विद्यार्थियों को कि भिन्न भिन्न विषयों की विशेषज्ञ जो हैं देश में, दुनिया में, वो सीधे सीधे वर्चुअल मोड में हमारे विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। बच्चों को जो बाहर भेजते हैं उनका सिलेक्शन कैसे करते हैं? बच्चों के सिलेक्शन की प्रक्रिया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने घोषित कर रखी है। 7.5 GPA से ऊपर वाले बच्चे होने चाहिए और उसके अलावा उनके एक लिखित परीक्षा होती है, फिर उसके भाषा ज्ञान की परीक्षा होती है और उसके माध्यम से बच्चे चयनित होते हैं। लुधियाना, हिसार, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के चुने वैज्ञानिकों के लेक्चर होंगे ऑनलाइन। तीन यूनिवर्सिटी में जो बेस्ट टीचर है वो एक कोर्स को अपने यहाँ पढ़ा रहा होगा और उस कोर्स का लाइव टेलीकास्ट वो बाकी 2 यूनिवर्सिटी में किया जाएगा। और ये हम ऑलरेडी पिछले 6 महीने में कर चुके हैं, 2 कोर्सेज हमने इसमें चलाए और बच्चों की जो फीडबैक है आप उसे देखेंगे तो आप जो है गदगद हो जाएंगे। पंतनगर के एलुमनाइयों की आईडी बनेगी विश्वविद्यालय के पैट्रिक यूनिवर्सिटी इलिनॉय में। तो उन सब ने मिलकर ये नियत किया कि पंतनगर विश्वविद्यालय के पुरातन छात्रों का नेटवर्क नोड स्थापित करें जो कि विश्वविद्यालय के लिए, पंतनगर के लिए कार्य करे।